हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन, टुडे आई शैल टीच यू योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से परिचय। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, वी विल लर्न अबाउट, हम के बारे में सीखेंगे, रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई द कंप्यूटर, कंप्यूटर की पहचान और वर्गीकरण, हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट्स, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स के बारे में, मेंशन द टाइप्स एंड यूजेज ऑफ वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के प्रकार और उनके भिन्न भिन्न प्रयोग, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध, एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ डाटा, डाटा का पदानुक्रम, डिटेक्ट प्रॉब्लम्स इन द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में उत्पन्न समस्याओं को पहचानना, ट्रबल शूटिंग, इसे बोलते हैं ट्रबल शूटिंग, समस्या निवारण। फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। A computer is a machine that works according to a list of instructions known as program. A computer is a machine. A computer एक यंत्र है that works जो कि कार्य करता है according to a list of instructions निर्देशों की सूची के अनुसार known as program जिसे program के नाम से जाना जाता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यह एक विद्युत यंत्र है दैट हेल्प्स जो कि सहायता करता है, यू मीन्स तुम्हारी, टू प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करने में, डाटा का प्रसंस्करण करने में, प्रोसेस मीन्स प्रसंस्करण। इट इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरी फील्ड सच एज एजुकेशन, होम, मेडिसिन, साइंस एंड रिसर्च, एनिमेशन, पब्लिशिंग एटसेट्रा। इट इज यूज्ड, यह प्रयोग किया जाता है टू सॉल्व, हल करने के लिए प्रॉब्लम, समस्याओं को, रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई, सच एज जैसे कि शिक्षा, एजुकेशन में शिक्षा, होम, घर, घरेलू समस्याएं, मेडिसिन, औषधि संबंधी समस्याएं, साइंस, वैज्ञानिक, विज्ञान से जुड़ी समस्या, एंड रिसर्च और खोज से जुड़ी समस्या, एनिमेशन, पब्लिशिंग, छपाई के कार्यों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एटसेट्रा इत्यादि। जो कंप्यूटर होता है उसका प्रयोग सभी प्रकार की समस्याएं जैसे शिक्षा, घर, औषधि, विज्ञान, खोज, एनिमेशन, पब्लिशिंग इत्यादि, सभी की समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पब्लिशिंग मीन्स आपका होता है छपाई का कार्य। ए कंप्यूटर सिस्टम हैज टू मेन पार्ट्स बिच टुगेदर मेक इट वर्क, एक कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं जो इसे कार्य करने में सक्षम बनाते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं कंप्यूटर में। कौन कौन से पार्ट है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, दीज आर द फिजिकल यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, दीज आर द फिजिकल यूनिट्स, ये कंप्यूटर के, कंप्यूटर की भौतिक इकाइयां होती हैं, विच यू कैन सी एंड टच, जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, कंप्यूटर की वे भौतिक इकाइयां जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, देख और छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाती हैं। दीज यूनिट कंस्टिट्यूट द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर, ये इकाइयां कंप्यूटर के हार्डवेयर होती है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को बनाती हैं। ए कंप्यूटर हार्डवेयर हैज फॉलोइंग यूनिट्स, एक कंप्यूटर हार्डवेयर की निम्न इकाइयां होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस इनेबल्स यू टू एंटर और इनपुट डाटा इनटू ए कंप्यूटर, एक इनपुट द्वारा, जो इनपुट डिवाइस होती है उसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर कराते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इनपुट डिवाइस द्वारा ही कंप्यूटर में दी जाती हैं।
यू ऑलरेडी नो अबाउट द टू मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस, आप पहले से ही दो कॉमन इनपुट डिवाइसेस को जानते हैं, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस ये एक कंप्यूटर की कॉमन इनपुट डिवाइस होती हैं। कीबोर्ड और माउस के द्वारा हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को सेंड करते हैं या एंटर करते हैं। सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर, कुछ अन्य इनपुट डिवाइसेस। स्कैनर, दिस इनपुट डिवाइस स्कैन्स इमेज फ्रॉम फोटोग्राफ पोस्टर्स मैगजीन्स डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। जो स्कैनर होता है वो फोटोग्राफ्स को पोस्टर को मैगजीन को डायरेक्टली कंप्यूटर पर स्कैन कर देता है। कॉमनली यूज स्कैनर आर, सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर। फ्लैट बेड स्कैनर ये सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले स्कैनर हैं। दिस स्कैनर हैज ए फ्लैट प्लेन ऑफ ग्लास वेयर द आइटम बीइंग स्कैन्ड इज प्लेस्ड। दिस स्कैनर हैज ए फ्लैट प्लेन ऑफ ग्लास, इसमें एक समतल ग्लास होता है। वेयर मीन्स जहाँ, द आइटम बीइंग स्कैन्ड इज प्लेस्ड, यहाँ पर स्कैन करने वाला जो आइटम होता है उसे रखा जाता है। इट वर्क्स लाइक ए फोटोकॉपी मशीन, या फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। हैंड हेल्ड स्कैनर, दिस स्कैनर इज ड्रैग्ड ओवर द ऑब्जेक्ट दैट नीड्स टू बी स्कैन्ड। इस स्कैनर को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर खींचा जाता है जिस ऑब्जेक्ट को स्कैन करने की आवश्यकता होती है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन शॉपिंग स्टोर, इसका ज़्यादातर प्रयोग शॉपिंग स्टोर में किया जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू रीड एंड आइडेंटिफाई मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन ए डॉक्यूमेंट सच एज ए चेक। दिस इनपुट डिवाइस, यह इनपुट डिवाइस इज यूज मीन्स प्रयोग की जाती है टू रीड पढ़ने के लिए एंड आइडेंटिफाई पहचानने के लिए मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर्स चुंबकीय अक्षर प्रिंटेड ऑन ए डॉक्यूमेंट जो कि एक दस्तावेज पर प्रिंट होते हैं सच एज चेक जैसे कि चेक पर। ये जो MICR है वो एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग चुंबकीय अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। डिजिटल कैमरा, दिस इनपुट डिवाइस इज यूज टू टेक पिक्चर्स। जो डिजिटल कैमरा है वो आपकी एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग पिक्चर लेने के लिए किया जाता है, किसी की फोटो खींचने के लिए किया जाता है। द पिक्चर्स फ्रॉम द कैमरा कैन बी ट्रांसफर्ड टू द कंप्यूटर। जो कैमरे की पिक्चर्स होती हैं उन्हें कंप्यूटर में भी भेजा जा सकता है, ट्रांसफर मीन्स भेजा जा सकता है। डिजिटल कैमराज होल्ड ए मेमोरी कार्ड दैट स्टोर्स द फोटोग्राफ। जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें एक मेमोरी कार्ड होता है जो कि फोटोग्राफ्स को भंडारित करता है, स्टोर करता है। द मेमोरी कार्ड कैन बी टेकन आउट ऑफ द कैमरा एंड द फोटोज कैन बी पुट इनटू द कंप्यूटर यूजिंग ए कार्ड रीडर। द मेमोरी कार्ड कैन बी टेकन आउट, जो मेमोरी कार्ड पड़ा होता है डिजिटल कैमरा में उसे बाहर निकाला जा सकता है एंड द फोटोज कैन बी पुट इनटू द कंप्यूटर, और जो उसमें फोटो होती हैं उन्हें कंप्यूटर में डाला जा सकता है यूजिंग ए कार्ड रीडर, कार्ड रीडर का प्रयोग करके। ड्राइंग टैबलेट, दिस इनपुट डिवाइस इज ए बोर्ड, यह इनपुट डिवाइस एक बोर्ड होती है। विच हैज ए स्पेशल पेन, जिसमें एक विशेष प्रकार की कलम होती है टू राइट लिखने के लिए ऑन इट इस पर एंड इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, और यह कंप्यूटर से जुड़ी होती है। द वर्ड और
इमेज यू ड्रा कैन बी सेव्ड ऑन द कंप्यूटर। शब्द या चित्र जिन्हें आप बनाते हैं कैन बी सेव्ड, सेव किए जा सकते हैं ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर। जो आपका ड्राइंग टैबलेट होता है वो एक बोर्ड की तरह होता है जिसमें एक विशेष प्रकार का पेन होता है। इस ड्राइंग टैबलेट में आप जो बनाते हैं या जो लिखते हैं उसे कंप्यूटर में सेव भी किया जा सकता है। टच स्क्रीन, ए टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर स्क्रीन। जो टच स्क्रीन होती है वो एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है। और अदर स्क्रीन या अन्य स्क्रीन दैट यू कैन टच विद योर फिंगर टू इनपुट इंफॉर्मेशन, जिसे आप अपनी उंगलियों से छू सकते हैं टू इनपुट इंफॉर्मेशन, जानकारियों को डालने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ टच स्क्रीन आर ए माइक्रोवेव एटीएम मशीन। जो टच स्क्रीन के उदाहरण है वो है एक माइक्रोवेव और एटीएम मशीन। जो एटीएम मशीन है वो भी आजकल आपकी टच स्क्रीन आने लगी है, और ख़ास तौर से जो मोबाइल हैं वो भी आपके टच स्क्रीन ही होते हैं। जो फिर नेक्स्ट है आपका वेव कैमरा, ए वेव कैमरा और वेव कैम, वेव कैमरा को वेव कैम भी कहते हैं, इज ए वीडियो कैमरा, या एक वीडियो कैमरा है कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर से जुड़ा होता है। दैट गैदर्स ए सीरीज ऑफ इमेज, जो कि इमेज की एक सीरीज को एकत्रित करता है। विच कैन बी एसेस्ड, जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट का प्रयोग करके। वेव कैम टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन फील्ड्स सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। जो वेव कैम की तकनीकी है उसका ज़्यादातर प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्षेत्र में और तुरंत मैसेजिंग के क्षेत्र में किया जाता है। आजकल जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो वेव कैम के जरिए ही संभव है। आउटपुट डिवाइसेस इनेबल्स द कंप्यूटर टू शो यू द डिजायर्ड रिजल्ट एंड इंफॉर्मेशन। जो आउटपुट डिवाइस होती है इनेबल्स द कंप्यूटर टू शो यू, कंप्यूटर को अनुमति देती है टू शो, दर्शाने की, द डिजायर्ड रिजल्ट एंड इंफॉर्मेशन, सूचना और इच्छा अनुसार परिणाम को। आउटपुट डिवाइस होती है वो इच्छा अनुसार परिणाम और सूचना को दर्शाने की अनुमति देती है। यू ऑलरेडी नो अबाउट द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। आप पहले से ही कुछ सामान्य तौर पर प्रयोग में आने वाली आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर्स एंड प्रिंटर्स। ये आपकी कॉमन, क्या कहते हैं, कॉमन से यूज में आने वाली आउटपुट डिवाइसेस हैं। लेट अस नो मोर अबाउट प्रिंटर्स, आओ हम प्रिंटर्स के बारे में और जानें। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। जो प्रिंटर्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पे। फर्स्ट है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दिस प्रिंटर कंटेन मूवेबल प्रिंट हेड विद पिंस। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो पिंस के साथ मूवेबल है प्रिंट हेड से युक्त होता है। दैट स्ट्राइक द रिबन प्लेसिंग ए डॉट ऑन द पेपर, जो कि रिबन कागज पर डॉट लगाता है, डॉट छोटे छोटे बिंदु। विद हंड्रेड ऑफ डॉट्स, हजारों वो सैकड़ों डॉट्स फॉर्मिंग इमेज और टेक्स्ट, जिससे एक इमेज या लेख बनता है। दिस प्रिंटर कंटेंस मूवेबल प्रिंट हेड विद पिंस दैट स्ट्राइक द रिबन प्लेसिंग ए डॉट ऑन द पेपर विद हंड्रेड ऑफ डॉट्स फॉर्मिंग इमेज और टेक्स्ट। इस प्रिंटर में पिंस के साथ मूवेबल प्रिंट हेड होता है जो रिबन कागज पर डॉट लगाकर सैकड़ों डॉट्स बनाता है, जिससे चित्र या लेख बनता है। दीज प्रिंटर्स आर
लेस एक्सपेंसिव, ये प्रिंटर कम महंगे होते हैं, बट आर वेरी नोइजी, लेकिन बहुत ही शोर वाले होते हैं, इनसे आवाज़ ज़्यादा होती है। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज गिवन इन CPS। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर, इस प्रिंटर की गति इज गिवन मीन्स दी जाती है इन CPS, कैरेक्टर पर सेकेंड, एक अक्षर पर सेकेंड में बनता है। इंकजेट प्रिंटर, दिस प्रिंटर फॉर्म्स लेटर एंड इमेज ऑन द पेपर बाई स्प्रेइंग स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ क्विक ड्राइंग इंक। ये जो प्रिंटर होते हैं वो लेटर और इमेज को बनाते हैं ऑन द पेपर, कागज पर, बाई स्प्रेइंग, छिड़काव से, स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्विक ड्राइंग इंक, शीघ्रता से सूखने वाली स्याही के द्वारा। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज गिवन इन LPM, जो इस प्रिंटर की गति है वो LPM में दी जाती है, लाइंस पर मिनट, इसकी स्पीड होती है लाइंस पर मिनट। लेजर प्रिंटर, दिस प्रिंटर यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी टू प्रिंट इमेज ऑन द पेपर। यह प्रिंटर लेजर तकनीकी को उपयोग करता है टू प्रिंट इमेज ऑन द पेपर, इमेज को पेपर पर प्रिंट करने के लिए। दिस गिव्स द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट एंड आर द मोस्ट एक्सपेंसिव। दिस गिव्स, यह देता है द बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी गुणवत्ता की आउटपुट, एंड आर द मोस्ट एक्सपेंसिव, और यह बहुत अधिक महंगे होते हैं। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज गिवन इन PPM, जो इस प्रिंटर की स्पीड है, गति है, वो दी जाती है इन PPM, PPM means पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। सम अदर आउटपुट डिवाइसेस आर, कुछ अन आउटपुट डिवाइसेस, प्लॉटर, दिस आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज पेपर ड्राइंग सच एज कंस्ट्रक्शन मैप्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। दिस आउटपुट डिवाइस, यह जो आउटपुट डिवाइस है, इज यूज मीन्स प्रयोग की जाती है फॉर मेकिंग ए लार्ज पेपर ड्राइंग, बड़े पेपर पर ड्राइंग बनाने के लिए, सच एज कंस्ट्रक्शन मैप, नक्शा बनाने के लिए, और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स या इंजीनियरिंग की ड्राइंग बनाने के लिए, जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं वो अपनी ड्राइंग इसी के द्वारा बनाते हैं। प्लॉटर्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, जो प्लॉटर्स हैं वो तीन प्रकारों में बांटे गए हैं। प्लॉटर को हिंदी में आलेखक कहते हैं, प्लॉटर को हिंदी में आलेखक कहते हैं। ड्रम प्लॉटर, दिस प्लॉटर कंसिस्ट ऑफ ए ड्रम और रोलर ऑन विच ए पेपर इज प्लेस्ड। यह जो प्लॉटर होते हैं वो एक ड्रम या रोलर से युक्त होते हैं, ऑन विच, जिस पर ए पेपर इज प्लेस्ड, जो कागज होता है वो रखा जाता है। एंड द ड्रम रोटेट्स बैक एंड फोर्थ, जो ड्रम होता है वो आगे पीछे घूमता है, पीछे, बैक मीन्स पीछे एंड फोर्थ मीन्स आगे, जो ड्रम होता है वो आगे पीछे घूमता है। टू प्रोड्यूस द ग्राफ ऑन द पेपर, कागज पर ग्राफ को निकालने के लिए। ड्रम प्लॉटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस आउटपुट, जो ड्रम प्लॉटर होते हैं वो लगातार आउटपुट देते हैं, सच एज प्लॉटिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी, जैसे अर्थक्वेक की एक्टिविटी होती है वैसे ये लगातार अपना कार्य करते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर, दिस प्लॉटर प्लॉट्स ऑन ए पेपर दैट इज स्प्रेड एंड फिक्स्ड ओवर ए रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड टेबल। दिस प्लॉटर प्लॉट्स ऑन ए पेपर, ये जो प्लॉटर होता है वो एक पेपर पे होता है, दैट इज स्प्रेड एंड फिक्स्ड, जो इस पे छिड़काव किया जाता है, एंड फिक्स्ड और फिक्स किया जाता है, ओवर ए रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड टेबल, एक आयताकार फ्लैट बेड टेबल पर। इट इज यूज इन द डिजाइन ऑफ कार्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग्स, हाईवे एटसेट्रा। इसका प्रयोग कारों,
जहाज़ों, एयरक्राफ्ट, इमारतों और हाईवे के डिज़ाइन को निर्मित करने के लिए किया जाता है। इस पर इन चीज़ों की जो डिज़ाइन होती हैं उन्हें बनाया जाता है। इंकजेट प्लॉटर, दिस प्लॉटर क्रिएट्स एन इमेज बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन पेपर। जो इंकजेट प्लॉटर होता है वो एक इमेज को बनाता है बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटी बूंदों को छिड़क कर, ऑफ इंक मीन्स इंक की, स्याही की, ऑन पेपर कागज पर। इस प्लॉटर में कागज पर इंक की छोटी छोटी बूंदें गिराई जाती हैं। इट इज़ यूज इन डिजाइनिंग बैनर्स, बिलबोर्ड्स एंड रोड साइंस। इसका प्रयोग बैनर को डिजाइन करने, बिलबोर्ड जो आपके विज्ञापन के तख्ते होते हैं उन्हें बनाने के लिए, और रोड साइन को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। LCD प्रोजेक्टर, दिस आउटपुट डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले वीडियो इमेज और कंप्यूटर डाटा ऑन ए लार्जर स्क्रीन। दिस आउटपुट डिवाइस, इस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है टू डिस्प्ले, दर्शाने के लिए, वीडियो इमेज और कंप्यूटर डाटा, वीडियो इमेज और कंप्यूटर डाटा को ऑन ए लार्जर स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन पर दर्शाने के लिए। इट प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑन टू द सरफेस बाई पासिंग लाइट ओवर एन LCD पैनल। यह एक इमेज को दर्शाता है ऑन टू द सरफेस, सतह पर, बाई पासिंग लाइट, जिसमें गुजरती हुई लाइट जाती है, ओवर एन LCD पैनल, एक LCD पैनल पर, एक LCD के तख्ते पर। इट इज यूज व्हाइल गिविंग प्रेजेंटेशन। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन दे रहे हों, किसी चीज़ का प्रस्तुतिकरण दे रहे हों। इसमें एक बोर्ड होता है जिस पर हम लाइट को डालते हैं और उस पर हमें इमेज या टेक्स्ट जो भी होता है वो दिखता है। प्रोसेसिंग डिवाइस, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को शॉर्ट में बोलते हैं CPU, इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इट मेक्स ऑल द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन एंड प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। इट मेक्स ऑल द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन, यह सभी जरूरी गणनाएं करता है, एंड प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, और यह सूचनाओं, जो सूचनाएं होती हैं उन पर भी कार्य करता है। इट कंट्रोल्स ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यह सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रण करता है। द CPU कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, ALU, CU एंड MU। द CPU कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, जो CPU होता है वो 3 यूनिट्स से, 3 इकाइयों से युक्त होता है। ALU means arithmetic logic unit, CU means control unit, MU means memory unit। ALU और arithmetic logic unit performs all the arithmetic computations and logical operations। जो ALU होता है उसका कार्य होता है सभी गणितीय गणनाएं करना, एंड लॉजिक ऑपरेशन और तार्किक कार्य करना। इट आल्सो परफॉर्म्स द टास्क ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेशन सच एज एंड और, ग्रेटर देन, लेस देन एटसेट्रा। इट आल्सो परफॉर्म्स, यह भी दर्शाता है द टास्क ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल, यह तार्किक, जोड़, घटाना, भाग और गुणा को भी दर्शाता है, एंड रिलेशनल ऑपरेशंस और उनसे संबंधी कार्य सच एज एंड और, ग्रेटर देन और एंड लेस देन इत्यादि। यह ग्रेटर देन लेस देन को भी दर्शाता है, उन्हें भी हल करता है। CU और कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर यूनिट्स ऑफ ए
कंप्यूटर सिस्टम सीयू या कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करता है एंड कोऑर्डिनेट्स और समन्वय करता है द एक्टिविटीज कार्यों पर ऑफ ऑल द अदर यूनिट्स अन्य सभी इकाइयों के ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो सीयू होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों पर नियंत्रण करता है और उनकी सभी क्रियाकलापों पर समन्वय करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। इट डिकोड्स इंस्ट्रक्शंस। यह निर्देशों की व्याख्या करता है। डिटरमाइंस द स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। डिटरमाइंस यह निर्धारित करता है द स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा निर्देशों और डाटा के स्टोरेज को। इट टेक्स डाटा टू द ALU। यह डाटा को ALU से लेता है एंड फ्रॉम द ALU टू द मेमोरी और ALU से मेमोरी को भेजता है एंड देन टू एनी आउटपुट यूनिट्स एंड और तब टू एनी आउटपुट यूनिट्स और फिर किसी अन्य आउटपुट यूनिट्स को भेजता है। MU और मेमोरी यूनिट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। MU या मेमोरी यूनिट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मेमोरी यूनिट कैन रिसीव डाटा होल्ड इट एंड डिलीवर्स इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। जो मेमोरी यूनिट होता है वो डाटा को रिसीव कर सकता है होल्ड इट इसे बनाए रख सकता है एंड डिलीवर्स इट और इसे भेज सकता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस निर्देशों के अनुसार फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट से निर्देशों के अनुसार डाटा को रिसीव कर सकता है उसे बनाए रख सकता है और भेज सकता है। स्टोरेज डिवाइसेस इनेबल यू टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जो स्टोर डिवाइस होते हैं उनमें हम डाटा और निर्देशों को स्टोर कर सकते हैं। द स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज कंप्यूटर मेमोरी। द स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर कंप्यूटर की एक स्टोरेज डिवाइस इज नॉन एज जानी जाती है कंप्यूटर मेमोरी के नाम से। कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी भी टू टाइप्स की होती है, इसमें आती है रैम एंड रोम और सेकेंडरी मेमोरी थ्री टाइप्स, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफन कॉल्ड द वर्किंग मेमोरी और द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे प्रायः वर्किंग मेमोरी या मेन मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को वर्किंग मेमोरी या कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है। रैम एंड रोम आर टू मेजर टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जो रैम और रोम है वो प्राइमरी मेमोरी के दो मुख्य प्रकार हैं। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा एट ए वेरी हाई स्पीड। इट इज कैपेबल यह योग्य होती है ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए एट ए वेरी हाई स्पीड बहुत ही तेज गति से। इट इज टेम्पररी इन नेचर। यह प्रकृति में अस्थाई होती है, यह इसका रूप अस्थाई होता है। डाटा स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी इज लॉस्ट। जो प्राइमरी मेमोरी में डाटा स्टोर होता है इज लॉस्ट मीन्स हो सकता है भैन जब द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। कंप्यूटर को
स्विच ऑफ किया जाता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, अतः इसे अस्थिर मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल मीन्स अस्थिर। रॉम, रॉम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस पुट बाय द मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट द कंप्यूटर। इट होल्ड्स, यह बनाए रखता है इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को। पुट बाय द मैन्युफैक्चरर, जो कि उत्पादक के द्वारा दिए जाते हैं। टू ऑपरेट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाने के लिए। इट इज ए परमानेंट मेमोरी, यह स्थायी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा फॉर ए लॉन्ग टाइम। सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग डाटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किया जाता है। इट ऑपरेट्स एट ए स्लोअर रेट देन प्राइमरी मेमोरी। इट ऑपरेट्स, यह कार्य करता है एट ए स्लोअर रेट, धीमी दर पर, देन प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो प्रकृति रूप से स्थायी होती है। डाटा स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जो सेकेंडरी मेमोरी का डाटा होता है वह तब गायब नहीं होता जब कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया जाता है, इसलिए इसे परमानेंट कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, अतः इसे स्थिर मेमोरी कहा जाता है। इट इज चीपर देन प्राइमरी मेमोरी, यह प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव एटसेट्रा। जो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव इत्यादि। थैंक यू। आपका जो आगे का लेसन है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको इस लेसन में, इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।